मैं शिव है। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं राहु केतु के महापरिवर्तन का मीन राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, 23 सितंबर 2020 के दिन राहु और केतु जो छाया ग्रह कहलाते हैं और जो निरंतर वक्री चाल यानी उल्टी चाल चलते हैं, अपनी राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं और यह परिवर्तन बहुत ही खास रहने वाला है। इस राशि परिवर्तन का वातावरण के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और 12 राशियों के ऊपर यह गोचर अलग अलग प्रभाव देकर जाएगा। तो अगर हम बात करें यह परिवर्तन क्यों खास है, तो देखिए, शनिदेव किसी राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, उसके पश्चात राहु और केतु 1.5 वर्ष तक किसी राशि में रहते हैं, फिर 1 वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति रहते हैं। तो ये 3 ग्रह जो बहुत ही खास इनका गोचर होता है किसी व्यक्ति का भविष्य जानने के लिए। तो राहु केतु का यह परिवर्तन बहुत ही खास रहने वाला है। तो देखिए, 23 सितंबर 2020 के दिन राहु मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर उच्च अवस्था में रहने वाले हैं। वृषभ राशि में राहु 11 अप्रैल 2020 तक मौजूद रहने वाले हैं, उसके पश्चात अन्य राशि में चले जाएंगे, इसके पूर्व की राशि में चले जाएंगे। तो इस समय अवधि में अगर बात की जाए तो 3 अलग अलग नक्षत्रों से होकर राहु गुजरने वाले हैं। 23 सितंबर के ही दिन धनु राशि से वृश्चिक राशि में केतु का भी परिवर्तन होगा और 11 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में उच्च अवस्था में केतु मौजूद रहने वाले हैं। इस समय अवधि में सबसे पहले राहु की अगर बात की जाए तो 23 सितंबर से लेकर जनवरी तक राहु मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, फिर जनवरी से लेकर सितंबर 2021 तक चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, फिर सितंबर से लेकर अप्रैल 2022 तक सूर्य देव के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो नक्षत्रों के बदलने पर परिणाम बदलते हुए मिलते हुए नजर आएंगे। तो आइए जानते हैं राहु के बारे में, राहु की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, समुद्र मंथन में राहु की उत्पत्ति होती है। समुद्र मंथन में जब विष निकलता है तो उसको भगवान शिव ग्रहण करते हैं, लेकिन जब अमृत निकलता है तो देवताओं और दानवों में झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अमृत पीने को लेकर। तो वहाँ पर भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं और देवताओं और दानवों के जो झगड़े की स्थिति है उसको शांत कराते हैं और पूरे देवता और दानव ग्रुप मान भी जाते हैं। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप इतना मायावी था कि सभी लोग, सभी देवता और दानव मोहित हो जाते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं। मोहिनी रूप धारण करने के पश्चात एक कतार में देवता बैठते हैं, एक कतार में दानव बैठते हैं। यह कथा आपको मालूम भी होगी। देवताओं को जैसे अमृत पिलाना शुरू करते हैं तो निरंतर वह अमृत मोहिनी रूप में भगवान विष्णु देवताओं को पिलाए ही जा रहे थे, दानवों का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहाँ पर एक स्वरभानु नाम का राक्षस दानवों के ग्रुप में बैठा था। उसके मन में ऐसा विचार आता है कि अगर हम ऐसे बैठे रहें हाथ पर हाथ रखकर तो हम अमृत से वंचित रह जाएंगे और हम अमर नहीं हो पाएंगे। उसने मायावी रूप धारण किया और देवता का रूप धारण करके देवताओं की कतार में जाकर बैठ जाता है स्वरभानु। वहाँ पर क्या होता है कि सभी देवता मिलकर भी उस स्वरभानु नाम के राक्षस को नहीं पहचान पाते हैं कि यह राक्षस है और वह अमृत पीता भी है। जैसे उसके कंड तक अमृत की बूंद जाती है, भगवान विष्णु मोहिनी रूप से अपने वास्तविक रूप में आते हैं और सुदर्शन चक्र के द्वारा उसके धड़ को और उसके निचले भाग को अलग कर देते हैं। यहाँ से राहु और केतु की उत्पत्ति होती है। जो धड़ के ऊपरी हिस्सा होता है वो राहु के नाम से जाना जाता है और धड़ के नीचे का हिस्सा केतु के नाम से जाना जाता है। तो राहु को छाया ग्रह कहा जाता है और राहु के अंदर एक यह क्षमता होती है, किसी कार्य को आकस्मिक कराने की क्षमता। कुंडली पर यदि मजबूत अवस्था में राहु होते हैं तो किसी व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं। राहु शक्तिशाली होते हैं, किसी इंसान को साहसी बनाते हैं, भौतिकवादी बनाते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर कुंडली पर यदि राहु मजबूत होंगे तो वह व्यक्ति कभी संतोष नहीं कर सकता किसी कार्य में। उसकी जो उन्नति है वो निरंतर टॉप पर जाने के लिए कोशिश करेगा, निरंतर गतिमान रहेगा। साथ में महत्वाकांक्षी इतना ज़्यादा तीव्र होगा कि जीवन में उसको कितनी भी बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाए वह ठहर नहीं सकता, पुनः आगे बढ़ेगा। तो यह राहु के प्रभाव से ही होता है। राहु के प्रभाव से वैज्ञानिक शोध कार्य, देश विदेश में व्यापार करना, यह राहु के प्रभाव से होता है। साथ में अचानक बड़ा धन मिल जाना, धन लाभ होना, लॉटरी लग जाना, साथ में बड़े सम्मान की प्राप्ति हो जाना, यह राहु के प्रभाव से ही होता है। साथ में कुंडली पर यदि राहु मजबूत अवस्था में होते हैं तो बौद्धिक रूप से इंसान मजबूत होता है, धर्म का पालन करता है और मान सम्मान में वृद्धि निरंतर होती है।
वैदिक ज्योतिष में राहु को कठोर वाणी, जुआ, यात्रा, चोरी, दुष्ट कर्म और त्वचा रोग का कारक ग्रह भी माना गया है। पीड़ित राहु के होने पर जातक की बुद्धि कमजोर हो जाती है, मादक पदार्थों का जातक सेवन करता है, साथ में झूठ की स्थिति जातक ज्यादा बोलता है, धोखा देता है, छल कपट करता है। पीड़ित राहु के होने पर जातक डंके की चोट पर झूठ बोलता है, झूठ को पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो अगर केतु के बारे में हम आपको जानकारी दें तो ठीक राहु से विपरीत ये कार्य करते हैं। केतु इंसान को वैराग्य, अध्यात्म, मोक्ष की ओर ले जाते हैं। केतु के शुभ प्रभाव से इन विधाओं में जातक की इन क्षेत्र में रुचि उत्पन्न होने लगती है। वहीं केतु के अशुभ प्रभाव से शारीरिक रूप से भी कमजोरी और जातक इन सब विधाओं में धर्म कर्म में काफी कम रुचि होगी। साथ में पैर, रीढ़ की हड्डी, कान, इन सब शरीर के अंगों में दर्द उत्पन्न होता है। तो आइए जानते हैं इसका मीन राशि के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो मीन राशि वाले जातकों, आपके तृतीय भाव में राहु का गोचर होगा और तृतीय भाव से राहु की दृष्टियां हैं पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि होती है। तो तृतीय भाव में जब राहु का गोचर होगा तो आपके इलेवंथ हाउस में दृष्टि पड़ेगी, सातवें घर में पड़ेगी और नौवें घर में दृष्टियां पड़ने जा रही हैं। साथ में मीन राशि वाले जातकों के नौवें हाउस में केतु का गोचर होगा। तो यह राहु और केतु दोनों ग्रह का गोचर मीन राशि के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। तो ऑल ओवर अगर हम आपके जीवन में बताएं कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, तो कैरियर की दिशा में रुके हुए कार्य पूरे होते हुए इस समयावधि में नजर आएंगे। आपकी योग्यता में वृद्धि होगी, आपके मन में नए नए क्रिएटिविटी, नए विचार आते हुए नजर आएंगे, नई योजनाओं को आप फलीभूत करने के लिए समर्थ होंगे। आपका जो ऊर्जा स्तर है और जो आपका कॉन्फिडेंस स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। इस समय अवधि में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और शोध कार्यों में यदि आप जुड़े हुए हैं, विदेश से यदि आप जुड़े हुए हैं तो अच्छा खासा आपको जीवन में लाभ प्राप्त होगा। इलेवंथ हाउस में दृष्टि जा रही है इसलिए विदेश से आपको धन लाभ प्राप्त होने की संभावना बनेगी। विदेश में यदि आप सेटल होने की योजना बना रहे हैं तो यह समय काफ़ी उत्तम रहेगा। साथ में इस समय अवधि में मीन राशि वाले जातकों को विवाह के प्रस्ताव जीवन में देखने के लिए मिल सकते हैं। रुके हुए कार्य बनते हुए नजर आएंगे। आपका जो समन्वय अपने उच्च अधिकारियों के साथ है काफ़ी गहरा रहेगा। मन में प्रसन्नताएं देखने के लिए मिलेगी। नए कार्यों में इन्वॉल्व होकर उसको क्रियान्वित करते हुए नजर आएंगे। साथ में इस समय अवधि में नई अपॉर्चुनिटीज के मिलने से आप अपने कार्यों को निकलवाएंगे और कार्य में इन्वॉल्व होकर अपने सपनों को भी पूरा करते हुए नजर आ सकते हैं। इस समय अवधि में आर्थिक जीवन में अगर बात की जाए तो धन लाभ की पूर्ण रूपेण संभावना बनती हुई नजर आएगी। धन लाभ इसलिए होगा क्योंकि राहु की दृष्टि और केतु की दृष्टि आपके अच्छे घर में होने से धन लाभ की संभावना बनती हुई नजर आएगी। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। इस समय अवधि में आप भवन, वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। संतान से आपको सावधान और सलाह लेकर चलने की आवश्यकता होगी। संतान पक्ष आपका काफी प्रगति करता हुआ ज्यादा दिखाई देगा। वहीं समय अवधि में यदि आप पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए हैं तो परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल काफी उत्तम रहेगा। परिवार के व्यक्ति आपको अच्छी सलाह देते हुए नजर आएंगे। साथ में आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है वो काफी आपकी तीव्र रहने वाली है। प्रेम जीवन के लिए भी समय काफी अनुकूल रहने वाला है। प्रेम जीवन में अकस्मात आपको नए घर से रिश्ते आते हुए नजर आएंगे क्योंकि सेवंथ हाउस में भी दृष्टियां जा रही है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप में यदि कोई व्यवसाय आप शुरू कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय चल रहा है तो उसमें आपको अच्छी सफलता देखने के लिए मिलेगी। साथ में यदि आप संगीत, साहित्य विधाओं में जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। विवाह की संभावना पूर्ण रूपेण आपके जीवन में बनती हुई नजर आएगी। यह कार्य अचानक से होते हुए नजर आएंगे क्योंकि यह राहु जो प्रभाव देते हैं किसी कार्य को अचानक से कराने के लिए समर्थ होते हैं। तो यह स्थितियां जरूर आपके जीवन में बनेंगी। तो अगर मीन राशि वाले जातकों को सावधान किस पक्ष पर रहने की आवश्यकता होगी तो ऑल ओवर राहु और केतु का गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। यानी 11 अप्रैल 2022 तक आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ जीवन में अचानक प्राप्त होते हुए जरूर नजर आएंगे और जीवन में अनुकूलताएं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको अपने आलस्य पर नियंत्रण जरूर रखकर चलना चाहिए। आपको बार बार मन में विचार जरूर ना बदलें, बार बार मन में नए नए विचारों को लेकर ना चलें। किसी एक क्रिया को यदि आप किसी रूपरेखा को यदि आपने बना लिया तो उस रूपरेखा को कुछ दिनों तक मानने की भी आवश्यकता आपके जीवन में रहेगी। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जरूर ना माने।
यदि कोई गलती किए हुए हैं तो उसको आप एक्सेप्ट कर लें, और जीवन में यदि कोई अनुभवी व्यक्ति राय दे रहा है, आपसे ज़्यादा अनुभवी है, तो उसकी राय को लेना आपके लिए उत्तम रहेगा। अपने अंदर घमंड की स्थिति बिल्कुल भी उत्पन्न ना करें। तो आइए जानते हैं राहु देव से जुड़े हुए कुछ खास उपाय के बारे में। तो अनिष्ट राहु के प्रभाव को यह शांत कर सकते हैं यदि आपकी कुंडली पर पीड़ित अवस्था में राहु होंगे तो। हनुमान जी की आराधना आप कर सकते हैं, बजरंग बाण का जाप मंगलवार के दिन आप कर सकते हैं, साथ में सामने चमेली के तेल का दीपक आप जरूर जलाकर यह करें। बुधवार के दिन साबुत उड़द का दान आप जरूर कर सकते हैं। इस गोचर काल के शुभ परिणाम जीवन में लेने के लिए खास उपाय आप कर सकते हैं। अनिष्ट राहु और केतु के प्रभाव को दूर करने के लिए शनिवार के दिन एक नारियल लें, उस नारियल का जो छिलका होता है वो रहना चाहिए, और एक 11-12 को अपने शरीर से उसको उतारना चाहिए आपको, और राहु काल का समय होना चाहिए। जब आप शरीर से उस नारियल को उतार रहे हों तो राहु काल दिन में चल रहा होना चाहिए, क्योंकि राहु से जुड़ा उपाय है तो इसको राहु काल में ही करना है। उसके पश्चात किसी बहते हुए सरोवर बहता हुआ पानी में उसको आप प्रवाहित कर दें, मुड़ कर पीछे उस वस्तु को ना देखें और घर में लौट आएं। यह राहु और केतु के प्रभाव को दूर करने के लिए 100% कारगर उपाय है। ओम रा राहवे नमः मंत्र का जब भी आप कर सकते हैं। पक्षियों को आप हरा दाना जरूर खिला सकते हैं, साथ में गरीब एवं असहाय व्यक्ति को दान आप जरूर कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां यदि आप करते हैं इन उपायों को, तो मन में अनुकूलताएं देखने के लिए मिलेगी और जीवन में आप सर्वश्रेष्ठ